और उस सुबह लिटरली इट वॉज लाइक मैंने अपनी आंखों से देखा है, माई गर्लफ्रेंड वॉज स्लीपिंग विद समवन एल्स। भाई लोग क्या हाल चल, अब तुम टाइटल देख के वीडियो तो देखने आ गए होगे, भाई की बर्बादी भी तो हम देखें। तो भाई देखो, सिंपली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेकअप 1 साल पहले हुआ था, और वो एक ऐसी लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी मेरे लिए जिसने मेरे को इतनी किक दे दी कि मैं वो खैर चीज बताऊंगा कि किक से क्या हुआ, कैसे मैंने सब चीजें करी, मैंने क्या सीखा, तो वही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भाई उस पूरे दर्द वाले एपिसोड से निकला और मैंने इतना सीखा। तो अगर आपको बिना दर्द के वो चीज़ मैं सिखा दूँ तो वो सबसे बेस्ट है, और मैं यही चाहूंगा, मैं हमेशा भाई भाई बोलता रहता हूँ। मैं ये भी चाहूंगा इस वीडियो में कि मैं लड़कियों को भी एड्रेस करूँ, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी ज्ञान लड़कियों के लिए भी है। तो मैं चाहता हूँ यार, आप मेरी ये काइंड ऑफ, ये नहीं बोलूंगा कि दुख भरी कहानी जो ब्रेकअप की है, क्योंकि यार देखो अब तो कोई दुख वुख है नहीं टू बी ऑनेस्ट सही में, बट लाइक मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सुनो, एंड लाइक मैं आपको जो आगे लेसन्स देने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ करनी चाहिए थी, वो आप ध्यान से सुनो। बट उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, कि ऐसी ऑनेस्ट वीडियोज़ के लिए एक तो जिगरा चाहिए यार, और एक हिम्मत चाहिए कि मतलब मैं चीज़ बोलूँ तो उसके लिए यार थोड़ा क्रेडिट्स तो बनता है। तो भाई कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार आप लड़की को सर्च करने मत बैठना, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मेरे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने उसके साथ कभी कोई फोटो नहीं डाल रखी, कभी उसको टैग नहीं कर रखा। मतलब यूट्यूब पे भी मैंने शायद से 1-2 लड़कियों के साथ वीडियो बनाई, एक तो मेरी कंटेंट मैनेजर है जो मेरे साथ ट्रिप्स पे जाती थी, और एक मेरी फ्रेंड है, और इन सब से मैं कनेक्टेड हूँ। तो इसमें से मेरी वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसके बारे में बात करना चाहता था। तो अब बात शुरू करते हैं, तो ऐसे हम कब मिले थे। तो एक बार मेरे को अभी तक याद है, मेरा कॉलेज टाइम था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और सेकंड ईयर में शायद मैं होस्ट कर रहा था एक शो, और उसकी एज अ जज आई थी वो। और भाई मैं देख के ऐसा हो गया था, यार ये कितनी सुंदर है भाई, एक तो लंबी गोरी चिट्टी, और मतलब यार जैसे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होती वैसे मेरे को बहुत सुंदर लगी वो। मतलब मैं भाई कभी कोई सामने कैटरीना कैफ भी हो ना, मैं तब भी उससे ये ना बोलूँ कि मैम कैन आई गेट अ सेल्फी विद यू, बट मैंने उससे पहली जो बात करी थी वो ये थी, मैम कैन आई गेट अ सेल्फी विद यू। उसने खिंचवाई मेरे साथ सेल्फी, और मेरे लिए ये हो गया था यार इसको पटाना है भाई, इसका मेरे को नाम पता लगा, बट मैं ऑब्वियसली बात है नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैडम ही है वो नाम जो मैं अभी बोलने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। बट ऐसे करके काइंड ऑफ हमारी, मैंने उसको स्नैपचैट पे ऐड करा, और उसके बाद हमारी बातचीत चली, तो पता लगा मैडम कमिटेड है। तो मेरे को लगा अच्छा यार शिट, ये तो गलत सीन हो गया। उसके बाद खैर मैं अपने काम में बिजी हो गया, वो अपने काम में बिजी हो गई। खैर इवेंचुअली हमें काफ़ी टाइम के बाद कभी कभार हमारी बहुत रेयर कभी स्नैपचैट पे बात हो जाती तो हो जाती, बहुत ऐसी ओकेशन की जिंदगी में क्या चल रहा है ऐसा करके कोई सीन। फिर मेरे को बहुत टाइम के बाद पता लगा कि मैडम का ब्रेकअप हुए हुए 4-6 महीने हो गए। फिर मेरे को लगा हाँ यार अब मिले, अब मिलने का बनता है सीन। तो भाई मैंने प्लान बनाया, पहले पहले तो भाई हमें रिजेक्शन ही मिली, बट लाइक फिर इवेंचुअली हमारा प्लान बना, और भाई हम पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, उसको लगा हाँ यार ये लड़का स्टड बनता है, बट लाइक ही इज सॉफ्ट यहाँ से। तो फिर भाई हम मिले, हमारा कुछ 4थी 5वीं बार शायद से थोड़ा बहुत सीन भी स्टार्ट हुआ। तो भाई मेरे को ऐसा हो गया कि यार यही है लड़की, मेरे को इसी लड़की से, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्यार हो गया था उस पॉइंट पे, बट भाई अपनी तो दिल खोल के लाइकिंग वाइकिंग स्टार्ट हो गई थी। और तब इनिशियली मेरा टाइम था जब मैंने एक्चुअली शायद टिकटॉक वगैरह बनाना शुरू ऑलमोस्ट करा ही था, करा भी नहीं था, मतलब लाइक टिकटॉक बनाने से शायद से ये 2-3 महीने पहले की कहानी है। तो भाई इवेंचुअली हमारा काइंड ऑफ स्टार्ट हो गया, एक ऐसी भी स्टेज आई जब हम एक तरह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही थे, हमने टैगिंग नहीं दी अभी तक। इवन इसने सोचा था, मैडम ने सोचा था कि यार, मैडम ने मुझसे कुछ बार पूछा भी कि यार आपने मेरे को प्रपोज क्यों नहीं करा, एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग ओनली कि मतलब यार मैंने इसको प्रपोज क्यों नहीं करा, बट उसका रीजन ये था कि इसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, मतलब अभी अभी तो नहीं बट लाइक हो गए थे, 6-8 महीने हो गए थे उस टाइम तो। और मेरे को ये लगता था कि यार अभी भी ना शायद से मैं फील कर सकता था कि वो कुछ ट्रेसेस हैं जो इसके एक्स के हैं, कभी कभार ये कंपेयर कर देती थी मजाक में, चाहे कंपेयर करती हो दो, मेरे को यहाँ से बुरा लगता था, मैं कभी एक्ट नहीं करता था, बट ऐसा लगता था कि यार हाँ ट्रेसेस हैं, और अभी शायद से इस चीज़ को टैग नहीं देना चाहिए। एंड रियली आई वॉन्टेड टू ग्रो विद हर, ग्रो विद हर मीन्स कि मैं चाहता था कि मेरे को वो समझे और मैं उसको समझूँ, हम दोनों गलतियाँ करें और उस चीज़ से हम ग्रो करें। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोइंग विद ईच अदर। तो भाई हमने फिर एक तरह से बिना टैग के जीने लगे, क्योंकि
की टाक तो यार दुनिया के लिए ही होता है, हमें पता था, मतलब मुझे तो एटलीस्ट पता था कि यार यही मेरी गर्लफ्रेंड है और इसी से ही मैं प्यार करता हूँ। तो यार हम ऐसे करने लगे, हम भाई बहुत घूमे, मतलब हमने बहुत ऐसे ट्रिप्स मारे, और ट्रिप्स में मेरे को ये पता लगा कि शायद से मेरी जो पहली प्रायोरिटी है ना वो काम है। मतलब ऐसा होता था, मेरा टिकटॉक का जस्ट हल्का हल्का स्टारडम शुरू हुआ था, स्टारडम भी नहीं मतलब लाइक बनानी शुरू हुई थी और वायरल वीडियो जाने लग गई थी, और तब हम ट्रिप में थे और भाई मैं ऐसा करता था कि अगर हमारा 7 बजे से सीन स्टार्ट होना है, हमें 7 बजे उठना है सुबह, तो मैं 6 बजे उठ के 6:30 तक मैं कॉन्टेंट रेडी कर रहा होता था कि मेरे को क्या क्या बोलना है, फिर मैं काइंड ऑफ कॉन्टेंट बना रहा होता था। कभी कभार मैं लेट उठता था तो ऐसा होता था कि हमारा साइट सीन का टाइम थोड़ा सा ना हिल जाता था, जो मैडम को पसंद नहीं आता था, मैडम को सॉरी भी बोलता था, बट खैर मैं ये जानता हूँ कि मैडम बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग है, थी, जो भी सीन है, बट लाइक एडजस्टिंग थी यार। मैं भी बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करता था, मतलब आप मानोगे नहीं, एंड ये वाले पॉइंट पे शायद से मेरी मम्मी बहुत मेरे को डांटेगी, मैडम एक फ्लैट में रहती थी, मतलब मैडम कहीं और से, आउट ऑफ दिल्ली से, एंड लाइक वो यहाँ पे पढ़ने आ रखी है, तो मैडम फ्लैट में रहती थी, और काफ़ी बार मेरे को लगता था हाँ यार मैडम शायद से अभी थोड़ी बीमार है, मैडम थकी हुई है, मैडम ये है, मैडम वो है, तो मेरे को लगता था यार अभी इसकी थोड़ी सी हेल्प चलो कर देता हूँ, ये पास का चलो 2 लीटर दूध, 1 दही 1 ब्रेड ले आता हूँ। तो मैंने ये वाला काम भी करा, और वहाँ पे मतलब ऐसा होता था मैं शॉप पे जाता था, वहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं मुझसे कि अरे मृदुल भाई दुकान में दूध लेने आ रखा है। मैंने कभी घर में ये काम नहीं किया, बट मैंने कभी उसको बताया नहीं, आज तक नहीं बताया, शायद होगी आज देख ही तो बताया कि मतलब कभी नहीं करा, बट लाइक करा ये वाला काम। और मैं यार ये कंपैरिजन नहीं रख रहा, मतलब लाइक ऑब्वियसली बात है, मैं ये जानता हूँ कि आपने आशिकी में बहुत अतरंगी काम करें, शायद से मैंने वो टच नहीं करे, और इस बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता कि मैंने ऐसा क्या क्या अनोखा करा, क्योंकि ऐसे मेरे पास भी लिस्ट है और आपके पास भी लिस्ट है, ऐसे शुरू हो जाए तो वीडियो खत्म नहीं होगी। तो भाई धीरे धीरे मेरा काम हल्का हल्का हल्की हल्की स्पीड से बढ़ने लगा, और मेरे को लगा कि हाँ मेरे को ज़्यादा टाइम अब इन्वेस्ट करना चाहिए इस काम में जो मैं करता था। और इस चक्कर में मैं ऐसा होता था कि शाम को मिल रहा हूँ तो रात को पूरा अपना कंटेंट लिख रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना। और ऐसे वाले केस में ना हमारा काफ़ी सॉर्टेड सीन था, क्योंकि डे वन से ही ना जैसे काफ़ी ऐसे मजनू लैला टाइप होते हैं ना कि जो फ़ोन पे पूरे दिन लगे रहते हैं, हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड सीन था, मतलब लाइक दिन की 2-3 कॉल, मे बी रात को कभी कभार वीडियो कॉल हो गई, कभी नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। और बट ये होता था कि चलो रोज़ मिलना है, और रोज़ हम मिलते थे। और इस टाइम एंट्री हुई वैशी दरिंदे की, मतलब विलन इस स्टोरी का, या फिर शायद से हीरो इस स्टोरी का। खैर तो अब ये वैशी दरिंदे ने बेसिकली इसकी कॉल्स और मैसेजेस मैं देखता था कि यार ये इतना कॉल क्यों कर रहा है यार ये बंदा, या ऐसे वैसे करके, तो मेरे को ऐसा लगा भाई ये कौन है। इसने कहा कि भाई देख ले तू इसकी चैट, मैंने पहली बार शायद से चैट देखी, और मैं देख रहा हूँ भाई लड़का लगा हुआ है, यू आर अ क्यूट पप, यू आर दिस दैट। मेरे को समझ आ रहा था कि यार हम लड़के हैं, हम समझते हैं जब सामने वाला लड़के का ईमान कैसा जाता है, उसका क्या इरादा होता है, ये भाई हम लड़के समझते हैं, हम लड़की जात ही ऐसे हैं यार कि हमें पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। बट मैं भाई एक पॉजेसिव बंदा शायद नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई वॉज रियली हैप्पी कि मतलब चलो ठीक है मैडम रिस्पॉन्ड इतना कुछ खास नहीं कर रही है, कूल ओके कर रही है। एंड मैडम ने खुद मेरे को बोला ही इज जस्ट अ फ्रेंड, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। और मेरे को लगा चलो ठीक है यार पोजेसिव भी नहीं हूं, आई एम द बेस्ट, बट क्या बेस्ट मैन के लिए फीलिंग्स होती हैं। खैर वो जनाब ने वहीं खेला जहां शायद मैं नहीं खेल सकता था, उनके पास टाइम था, पता नहीं वो क्या काम करते हैं क्या नहीं काम करते, बट उन्होंने दबा के मैसेज करे, दबा के फ़ोन करा, फ़ोन रिसीविंग भी होता था मैडम के वहाँ पे। और मैं भाई 24 साल का हूँ, मैं 24 साल का हूँ, और मेरे को ये पता है कि यार मेरे को अभी अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरे को शायद से कुछ बनना है आगे, मैंने कुछ सोच रखा है, मैंने कुछ अपने दिमाग में आइडिया रख रखे हैं, मैंने कुछ अपना फ्यूचर देख रखा है कि यार ये मेरे को ये बनना है, तो बस मैं उसी चीज़ में लगा रहा। और बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कभी मैंने शुरू से आदत वो आगे पीछे घूमने वाली नहीं डाली, कभी शुरू से, कभी मतलब ऐसा होना कि काफ़ी लड़के ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग में लड़की पटाने के लिए कुछ डिफरेंट बन जाते हैं और फिर कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, मेरा ऐसा कभी भी सीन नहीं था। मैंने शुरू से ही अपनी आदत रखी कि हाँ भाई जितना मैं टाइम दे सकता मैं उतना टाइम देता था, और वही कंसिस्टेंसी मैंने रखी, बट आगे पीछे नहीं भागता था, बट ये मेक श्योर करता था कि जब मैं मिलूँ ना इससे तो 1-2 घंटे दूं, और 1-2 घंटे ऐसा दूं कि पूरी शिद्दत से मोहब्बत करूं। वो 1-2 घंटे में मैं अपना फ़ोन ट्राई करता था ना देखूं, कभी कोई बिजनेस कॉल आ गया तब देख लिया करता था, बट भाई मैंने वो 1-2 घंटे
पूरे दिए हैं, जो मैं टाइम दे सकता था वो मैंने पूरा प्यार किया है। बट क्या बेस्ट मैन के लिए फीलिंग्स आती हैं, इतना बेस्ट कि एक बार ऐसा भी सीन हुआ, वीडियो कॉल करा तो पता लगा कि मैडम तो अपने वैशी दरिंदे के साथ ऐसे आउटिंग पे निकली हुई है, और उस टाइम शायद से मुझे आना था उनको पिक करने, बट मैडम ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मैंने आपको हल्का फुल्का हिंट दिया था, ये हुआ था वो हुआ था। खैर उस चीज़ में मैं नहीं बोलता, बट मैंने उस टाइम भी यही सिर्फ बोला कि मैडम आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो जब आप इस बंदे से मिलो, इन्फॉर्म, परमिशन नहीं लेनी, मैं आपके डैड नहीं हूँ, मैं कोई हायर अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं आप बस आपके बराबर का हूँ, और मेरे को बस एक इन्फॉर्म कर दो जब आप इस पर्टिकुलर बंदे से मिलो। मैडम को वो बात ईगो पे लगी शायद, और मैडम ने ऐसा काफ़ी बार करा उसके बाद कि जब मेरे जब जब प्लान थे तो काफ़ी बार उसने वो प्लान को हटा के इन्हीं बंदे के प्लान लगा दिए। बट मैं बेस्ट रहा, मैंने ज़्यादा पोजेसिवनेस कुछ भी नहीं दिखाई, मैं अपने पे ही रहा कि इन्फॉर्म कर देना, इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, मैं खुश होता था, मैं रिएक्ट नहीं करता था। बट क्या इतना बेस्ट मैन के लिए फीलिंग्स आती है। सब सही चल रहा था, फिर एक दिन, पता नहीं एक दिन आया जब उसने मेरे को बोला कि आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। मैं ऐसा था कि यार ब्रेक हम तो कोई उसमें है ही नहीं। कहती हाँ बट लाइक स्टिल आई डोंट फील द सेम जो आप पहले थे, एंड मेरे को वो फीलिंग नहीं है जितनी मेरे को पहले थी आपके लिए। तो मेरे को लगा कि ठीक है बट ऐसा क्यों। कहती कि मेरे को लग रहा है कि आप जब अगर कल को प्रपोज कर दोगे मुझे, मैंने कहा अभी तो मैं कर ही नहीं रहा। कहती नहीं अगर कल को कर दिया तो मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आपको स्पेस देता हूँ मैं, मतलब लाइक मैंने ये सोचा और मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मैं बेस्ट मैन बनना चाहता था। और क्या बेस्ट मैन के लिए फीलिंग्स होती हैं। वो लड़की एक ऐसी लड़की थी जो मतलब जब मेरी भी गलती हो ना तब भी वो एक या दो दिन में मेरे को कॉल कर लेती थी, इतना कम स्टैमिना था उसका कि मेरे को बात करनी है। और यहां पे 3 दिन हो गए थे ब्रेक लिए हुए और उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, उसने कभी मेरे को टेक्स्ट या कोई कॉल करा ही नहीं और ना ही मैंने करा 3 दिन। 4th दिन मेरी गांड फट गई, मैं सो नहीं पा रहा था, बीच में उठ रहा था, मैं नहीं आ पा रहा था, कोई अच्छा सपना ही नहीं आ पा रहा था, कुछ अलग सपने आते थे कि ये हो गया वो हो गया ऐसा कुछ आता था। बट मैंने सोचा यार नहीं उसको स्पेस चाहिए, मैं कुछ नहीं डिस्टर्ब करूंगा। 6 दिन 7 दिन 10 दिन बस मैंने सोच लिया आज मैं भाई जा रहा हूं। मैं सुबह सुबह उसके घर पर चला गया, मैंने देखा एक शायद से एक अलग गाड़ी है जो कभी खड़ी नहीं होती थी इसकी सोसाइटी में, बट वो उस दिन खड़ी हुई थी। मेरे को अजीब सा लगा, मैंने इसको फोन करा, मैंने कहा कहाँ पे है, इसने कहा मैं काम से हूँ बाहर। मैंने कहा तू तो अभी अभी उठी है, कहती नहीं मैं मेट्रो में हूँ। मैंने कहा झूठ मत बोल तू यहीं पे है घर पे, इसने कहा हाँ। मैंने कहा मिलना है अभी मेरे को तेरे से, उसने बोला मैं नहीं मिलूंगी। मैंने कहा क्यों, कहती मैं नहीं मिलूंगी फोन पे बात कर। मैंने कहा नहीं, मैंने घंटी बजा दी उसके घर की, उसने कहा मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। उसने दरवाजा नहीं खोला मेरे लिए उस दिन, और फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं तेरे से मिलके ही बात करूंगा, मेरे को बता। तो इसने कहा कि शाम को मेरे ऑफिस के बाहर आ जाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं शाम को इसके ऑफिस के बाहर गया और तब मैं चाहता हूं मैं तालियां बजाऊं क्योंकि भाई मेरे को इतनी ऑनेस्ट कभी कोई नहीं मिला। उसने मेरे को सब कुछ सच सच बता दिया, ये बता दिया कि शी इज स्लीपिंग विद समवन एल्स, शी इज इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मैंने इस टाइम शायद से एक ऐसी चीज करी जो शायद आप सभी लड़कों में इतना जिगरा नहीं है वो करने के लिए, और लड़कियों में भी नहीं है। मैंने उसके मुंह पे बोला कि मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं और मैं ये चीज अभी सुन के अभी भुलाने को तैयार हूं। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है आप रिग्रेट करते हो इस चीज को, मैं भुलाने को तैयार हूं, हम काम करते हैं अपने ऊपर। तब उसने बोला कि नहीं यार ये मेरी गलती नहीं हुई, ये मेरी विल थी, मेरी चाहत थी, और ये एक बार नहीं हुआ, ये मल्टीपल बार हुआ, काफी बार हुआ, इवन जब तू मेरे घर के नीचे था। तो वो जो गाड़ी थी वो किसी और की थी और वो लड़का मेरे साथ था मेरे कमरे में। और ये सुन के मतलब मेरे पास शायद से कुछ बोलने के लिए था नहीं, क्योंकि
मतलब एक बताया चीज की आपके अंदर सब चीज एकदम ब्लास्ट हो गई हो, मतलब समझ ही नहीं आया कि आपको क्या करना है। बट मेरे को अभी तक याद है शायद से 40-45 मिनट का रास्ता था, और मैंने उस पूरे रास्ते इसको यही समझाया कि यार आपने उसको जगह दिखा दी जहाँ पे वो आपको हिट कर सके, आपने उसको ये बता दिया कि आपके आगे पीछे कोई लड़का घूमे आपको अच्छा लगता है, जो शायद मैं नहीं कभी कर पाया क्योंकि मेरे लिए करियर था, और वो लड़का झूठी एक्टिंग सही बट वो खेल गया, और वो खेला ऐसे, और वो मेरे को इस तरह पता लगा क्योंकि उसके बाद मैं उसके घर गया, उस लड़की के घर गया, मैं मैडम के घर गया, क्योंकि उसने बोला कि मेरे को एक सैंडविच खिलाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बैठा बाहर लॉबी में और मैं बेड देख रहा था, वो बिस्तर जहां पे मैं और मैडम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, और मैं फ्लैशेस आ रही थी मेरे सामने कि यार यहां पे कुछ और भी हो रहा है आजकल। ये 5 मिनट तक मैं देखता रहा, 5 मिनट के बाद मैंने मैडम को देखा किचन में, मेरे को लगा कि वो शायद से कुछ बना रही होगी, बट वो कुछ नहीं बना रही थी, वो नीचे शायद से ऐसे अपने फोन को देख रही थी। मैंने देखा तो मेरे को पता लगा अरे फोन पे तो ये उससे चैटिंग कर रही है इस टाइम पे, और वो चैटिंग ये करे, जब मैंने उससे पूछा तो वो ये कहती कि यार मेरे को उसको तो बताना है, उसको बुरा ना फील हो जाए, मेरे को उसको ये तो बताना है क्योंकि आई एम रियली कंफ्यूज एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को तब समझ में आया कि यार वो लड़का जो 2 महीने के बाद शायद से इंडिया छोड़ने वाला, उस लड़के ने ये बोला इसको कि मैं आपको प्यार करता हूं ये सब एक्टिंग करके या जो भी करके, बट उसने कुछ दिनों में ऐसी गेम खेली जो मेरे 11 महीने का एक तरह से दोनों ने साथ मिलके एक रिश्ता बनाया था ना, उसने खत्म कर दिया। और अब तुम लोग बोलोगे कि यार वो लड़का इतना कर गया, भाई आप चुप रहे, मैं सिर्फ उस नादान लड़के को, वो लड़का, एक चीज बोलना चाहता हूं उस नादान लड़के को, दिल पे क्या गुजरती है वो अनजान क्या जाने, दिल पे क्या गुजरती है वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने। उड़ गया वो घर परिंदे का, उड़ गया वो घर परिंदे का, कैसे बना था वो घोंसला वो तूफान क्या जाने। बस भाई मैंने जब ये देख लिया ना कि मैं किस स्टेट पे हूं, इधर वो बेड देख के मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैम तो मैसेजिंग कर रही है, चैटिंग कर रही है, मैंने सोच लिया यार ये प्यारे, ये तो प्यार किसी को किसी और से ही हो गया शायद, और कोई बताना नहीं चाहता, तो मैंने बस वहां से मुड़ के नहीं देखा। तुम कट ऑफ की बात बोलते हो, मैंने उसकी ईमेल्स तक ब्लॉक करी है, सेम डे सेम टाइम उसका ही वाईफाई यूज करके घर के नीचे जाके आप मुझे बोल रहे हो। कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा, कभी मैंने सोचा नहीं कि वो क्या सोच रही होगी। उसके 3 दिन जो ये आंखें है ना इसमें आंसू भर रखे थे, और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन सामने मेरे को दिख रही थी, एक यही मैं रोते रहूं, दूसरा जिस करियर को लेके शायद आज इतना हुआ है क्यों ना उस पे ही फोकस कर लूं, और आज मैं यहां पे हूं तुम्हारे सामने। शायद से तुम ये मेरी तब वीडियो देखो जब मेरे शायद से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ जाए, तुम मेरी तब वीडियो देखो जब मेरे इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ जाए, तुम मेरी तब वीडियो देखो जब शायद से टिकटॉक पे मैं मिलियंस में तो हुई बट और ज्यादा मेरे फॉलोअर्स आ जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे को ये फर्क पड़ता है कि शायद मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने करियर के लिए स्टैंड लिया, और मैं उसी पे ही डटा रहूंगा। और आपके लिए मैं एक लेसन देना चाहूंगा, रिलेशनशिप अगर कभी भी मेंटेन करना करो यार, बेइंतहा मोहब्बत करो, बट कभी उतार चढ़ाव जब होते हैं ना तो किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट मत, क्योंकि वो तीसरा बंदा नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है, दूसरा वाला बंदा क्या फील करके ये चीज बोल रहा था, और तुम तीसरे बंदे की इंटेंशन नहीं जानते कि वो क्या सोच रहा है, वो कहां घुसना चाहता है, वो कितना बेस्ट है। क्योंकि भाई मैं एक चीज समझ गया जो मैं आप सभी से पूछ रहा था, क्या बेस्ट मैन के लिए फीलिंग्स आती है, ये सवाल उसने मुझसे पूछा था, और मैं आपको सीधा एक इसका जवाब देना चाहूंगा। बेस्ट मैन वो लड़का होता है जो शादी वाले वक्त ब्राइड के साइड में खड़ा होता है, और शादी लड़की की किसी और से हो जाती है। बेस्ट मैन मैं हूं, बेस्ट मैन। अभी भी मिस करते हो उसे? भाई मिस
सीधा कैमरा में देख के वे एक चीज बोलूंगा, नहीं वो इस लायक नहीं है, और वो इसीलिए नहीं क्योंकि उसने चीट करा, वो इसलिए नहीं क्योंकि उसने वो सच्चाई नहीं बताई, सिर्फ ये बोला कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, उसने सच्चाई कभी शुरू से नहीं बताई, वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा 11 महीने का रिश्ता था उसकी उसने कभी कदर नहीं करी। मेरे छोटे लाल, कभी ना मतलब रिश्ता बनाए ना तो रिस्पेक्ट जरूर करना अपने सबसे पहले पार्टनर की, तब आएगा फिर ट्रस्ट, तब आएगा फिर लव। उसने रिस्पेक्ट ही नहीं करी, मिस तो भाई बहुत दूर की बात है। और मैं भगवान से सिर्फ इतनी ही दुआ करता हूं कि यार उसको खुश रखे बट उसको अकल ना दे, क्योंकि अकल दे दी अगर भगवान ने तो उसको ये समझ जाएगी कि शायद से जो बेस्ट मैन है ना उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, और उसने जैसे जो चीज खोई है उसमें उसको बहुत दुख होने वाला है, बहुत। चलो खैर यार, अकल ही ना दे भगवान, ज्यादा बेटर है। खैर, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं मूव ऑन कर चुका हूं, इस चीज को 1 साल हो चुका है और मेरे अंदर वो इमोशन नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं इमोशनली ये वीडियो बनाता तो मैं शायद से 10-15 बार रो चुका होता, अगर मैं ब्रेकअप से जस्ट अगले दिन बना रहा होता ये वीडियो। तो बस यही चीज है यार, यही चीज क्लियर करना चाहता हूं। और भाइयों के लिए एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, मेरे भाई तू इश्क कर बट इश्क में गुजर जाने का नहीं। बस भाई, तुम्हारा भाई यही बोलना चाहता है। मूव ऑन कैसे करा कमेंट करके पूछ लो, मैं बता दूंगा भाई मूव ऑन कैसे करा। वैसे अपने सिंपल तरीके ही रहते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया, बस फोकस बिल्कुल करियर पे रहा और बस। तुम्हारा भाई चिल है, तुम्हारा भाई सॉर्टेड है और तुम्हारा भाई सॉर्टेड ही रहेगा भाई।